हेलो दोस्तों कैसे हो मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में दिस इज माई फर्स्ट वीडियो जहां जहाँ पर मैं गेम के साथ साथ जो है अपना वीडियो भी शेयर कर रहा हूं सो इन केस कुछ गलती होती है तो आई एम रियली वेरी सॉरी इन एडवांस बट दिस इज द अगेन द ओपनिंग सीरीज जहां पर आज हम बात करेंगे स्कॉच गेम की और उसमें से पर्टिकुलर मैंने चूज़ किया आज टेनिस वेरिएशन बट उससे पहले मैं आपको दिखा दूंगा कि वॉट इज स्कॉच गेम और दूसरे उसके क्या क्या वेरिएशन है तो आइए शुरू करते हैं अपन टू ई पोन टू ई फाइव एंड नाउ नाइट टू एफ थ्री अटैकिंग ई फाई एंड नाइट टू सी सिक्स इस पोजिशन में व्हाइट खेलता है पोन टू डी फोर एंड दिस इज नॉन एज अ स्कॉच गेम जहाँ पे ब्लैक का मेन ऑप्शन है पोन कैप्चर ऑन डी फोर और इस पोजिशन में ढेर सारे ऑप्शन है जहाँ पे आई मीन थ्री मेन ऑप्शन है जो कि व्हाइट खेलता है वन इज नाइट कैप्चर डी फोर जो कि मेन लाइन है और आगे हम इसी के बारे में बात करेंगे बट इन दिस के अनदर ऑप्शन इज बिशेप टू सी फोर विच इज़ नॉन एज स्क्वाच गेमबिट और ई कैप्चर डी फोर के बाद एक और मूव है पॉइंट टू सी थ्री जो जानी जाती है गोरिंग गेमबिट के नाम से और ई कैप्चर डी फोर के बाद एक और मूव है दैट इज़ अ बिशप बी फाई जिसका कोई नाम नहीं है बट इट कैन बी ऑल्सो प्लेबल बट आज हम बात करेंगे मेन मूव की ई कैप्चर डी फोर नाइट कैप्चर डी फोर और अब जो ब्लैक है उसके पास ऑलमोस्ट सिक्स मूव्स हैं जो कि वो खेल सकता है कुछ अच्छी है कुछ बुरी है

बट आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे नाइट कैप्चर डी फोर एंड दिस क्वीन टू एच फोर और ये जो मूव है इन एनी केस विंस अ पोन अगर आप पोन सेव करने की ट्राई करता है वाइट तो ब्लैक जो है उसको अच्छी पोजिशन मिल जाती है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप ट्राई करोगे किस तरह से आप जो है पोन सेव करोगे थोड़ी देर के लिए वीडियो पोस्ट करो और सोचो किस तरह से आप पोन सेव करोगे से मैं ट्राई करता हूँ पोन सेव करने की क्वीन टू डी थ्री से राइट right? देन जो पोन ऑन ई फोर है उस पर ब्लैक इमीडिएटली प्रेशर बनाता है विथ नाइट टू एफ सिक्स अगेन दूसरी बार अटैक कर रहे हैं से नाइट टू सी थ्री एंड नाउ बिशप टू बी फोर और नेक्स्ट मूव में जो है ब्लैक वो कैसल करेगा और ब्लैक के लिए डेवलपमेंट में कोई इश्यू नहीं है और ब्लैक के लिए गेम जो है काफ़ी ईजी हो जाती है तो से अनदर आप ट्राई करते हो आफ्टर क्वीन एच फोर से नाइट कैप्चर ऑन सी सिक्स और दैट वुड बी अ मिस्टेक बिकॉज क्वीन कैप्चर ई फोर इमीडिएटली जो है ब्लैक को पोन मिल जाएगा जहाँ पे क्वीन टू ई टू के बाद सिंपली क्वीन टेक्स क्वीन बिशप कैप्चर क्वीन एंड नाउ पोन कैप्चर ऑन सी सिक्स जहाँ पे ब्लैक के पास एक एक्स्ट्रा पोन है और उसकी पोजिशन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है सो so, और क्या ऑप्शन है क्वीन एच फोर के बाद अब इस पोन को सेव करने का पॉइंट ये है कि अगर आप कुछ और खेलते हो जैसे कि बिशप टू डी थ्री या फिर समथिंग लाइक क्वीन ई टू देन आपकी जो नाइट ऑन डी फोर है वो हैंगिंग है सो so, उसी की वजह से मैंने अब आपको जो दो ऑप्शन दिखाए थे वो ये वाइट कई बार खेलता है बट इस पोजिशन में जो वाइट है उसके पास एक ऑप्शन है दैट इज नाइट टू सी थ्री और ये प्रैक्टिकली जो है आ, अपोन को सेक्रीफाइस करता है आगे चल के क्योंकि देखिए नाइट सी थ्री के बाद अब जो है ब्लैक नाइट एफ सिक्स नहीं खेल सकता सबसे पहली बात ये क्योंकि नाइट एफ सिक्स अगर ब्लैक खेलता है देन जो वाइट है उसको काफी अच्छी गेम मिलेगी विथ नाइट टू एफ फाइव जहां पे क्वीन ट्रेप होने के भी चांसेस है सो so, क्वीन पे अटैक है अभी सो से क्वीन मूव टू जी फोर जहां पे पोन टू एफ थ्री अटैकिंग द क्वीन क्वीन टू जी सिक्स और थ्रेट ऑफ नाइट टू एच फोर क्वीन सो से पोन टू एच सिक्स आप जो है क्वीन के लिए जगह बनाते हो देन मेरी जो नाइट है वो दूसरी जाएगी बी फाइव पे और नाइट कैप्चर सी सेवन इज अ थ्रेट सो से किंग टू डी एट And now bishop to F4. And white की जो पोजिशन है so इसीलिए जो है नाइट टू एफ सिक्स नहीं आता है नाइट सी थ्री के बाद बट नाइट सी थ्री के बाद जो ब्लैक है वो इमीडिएटली ट्राई करता है बिशअप टू बी फोर अगेन विद द सेम आइडियाज आपकी जो नाइट है वो पी एन एसो मेरी थ्रेट है queen capture to E4. So पे जो वाइट है वो खेलता है बिशअप टू टू एन सेक्रीफाइज इज द पोन पोन ऑन ई फोर जो है वो वाइट सेक्रीफाइस करता है और इनकेस ब्लैक अगर वो पोन कैप्चर करता है से क्वीन कैप्चर ऑन ई फोर दैन नाइट टू बी फाइव और यहाँ पे देखिए जो मेरी थ्रेट है वो है नाइट कैप्चर ऑन सी सेवन तो से बिशप कैप्चर ऑन सी थ्री देन पोन कैप्चर ऑन सी थ्री और इस पोजिशन में आप देख लो कि जो है नाइट कैप्चर सी सेवन इज रियली ग्रेट थ्रेट और इसको अभी पेरी कर पाना काफ़ी मुश्किल है आप यहाँ पे अलग अलग ट्राई कर लो किस तरह से जो है आप नाइट कैप्चर सी सेवन को स्टॉप कर पाते हो फॉर एग्जाम्पल आप ट्राई करते हो क्वीन टू ई फाइव देन आई माइट ट्राई दिस पोन टू एफ फोर एंड अगेन जो आप है वो नाइट कैप्चर सी सेवन को स्टॉप नहीं कर सकते सो so, मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड सर आई एम ट्राइंग दिस क्वीन कैप्चर ऑन जी टू जो कि एक मिस्टेक है क्योंकि अब मैं खेल सकता हूँ नाइट कैप्चर सी सेवन चेक और जैसे ही किंग मूव होता है डी एट पे आई कैन प्ले दिस बिशप टू एफ थ्री और उसके बाद अगर क्वीन मूव होती है से एच थ्री पे चर ए एट और आप खुद देख रहे हो कि जो वाइट की पोजीशन है वो इनफेक्ट विनिंग है सेम चीज पॉसिबल है से नाइट बी टू डी फाइव और अब आता है अगर से क्वीन कैप्चर जी टू देन सिंपली नाइट कैप्चर सी सेवन चेक किंग डी एट शब एफ थ्री और पिन एच थ्री के बाद नाइट कैप्चर ऑन ए एट और व्हाइट जो है वो विनिंग है सो so, ये जो पोन है वो काफी महंगा पड़ता है सो so, इनफैक्ट बी कैप्चर सी थ्री के बाद ब्लैक के लिए एक ही गुड ऑप्शन है एंड दैट इज किंग टू डी एट और अब वाइट जो है वो खेल सकता है कैसल और आप ये पोजिशन में खुद देख लो कि ब्लैक का कैसल नहीं हो सकता ब्लैक एज लूज राइट टू कैसल और दूसरा उसके डेवलपमेंट में भी काफ़ी दिक्कत आ सकती है क्वीन बाहर है सो वाइट कैन विन मेनी टेम्पोज विथ से रुक टू इवन और इवन से बिशप टू एफ थ्री और एक पोन के बल्ले में जो ब्लैक वाइट है उसके पास दो बिशप एडवांटेज भी है सो ऑल इन ऑल ये जो वेरिएशन है वो वाइट के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है और ब्लैक यूजुअली दिस स्टेनेज वेरिएशन है उसको प्रैक्टिस में इतना खेलता नहीं है तो आई होप मेरा वीडियो देखने से आपको एक्चुअली जो है स्कॉच गेम में स्टेनिस वेरिएशन क्या है वो पता चल गया होगा और स्टेनिस वेरिएशन के सामने किस तरह से खेला जाता है वो भी पता चल गया होगा आने वाले वीडियो में हम स्कॉच गेम के और जो वेरिएशन मैंने अभी आपको दिखाए उसके बारे में टन बाय टर्न बात करेंगे सो so धन्यवाद जय हिंद बाय बाय